बाबा बालकनाथ के प्रयासों से भिवाड़ी अलवर बाईपास हुआ पानी मुक्त। भिवाड़ी बाबा बालकनाथ के प्रयासों से भिवाड़ी अलवर बाईपास हुआ पानी मुक्त, फिर चलने लगे सभी साधन। नगर परिषद पार्षद हवा सिंह दायमा ने बताया कि पिछले करीब 3 महीने से पानी भरा हुआ था, अब ये नाले खुल जाने की वजह से पानी का निकास हो गया। लोगों में खुशी का माहौल है। व्यापारियों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा था, जो अब नाला खुलने से उन्हें राहत मिली। बीआईएस अध्यक्ष प्रवीण लांबा ने बताया कि ये दो सरकारों के बीच का मैटर है। राजस्थान भिवाड़ी से धारूहेड़ा हरियाणा की तरफ एक प्राकृतिक ढलान है, जिसकी वजह से सारा पानी धारूहेड़ा सोसाइटी में जाता था, जिसको लेकर 6 महीने पहले रोड के ऊपर स्लोप बनाया गया, जिससे पानी अवरुद्ध हो गया और पानी रुक गया, जिससे समस्या आने लगी। लेकिन अब बाबा बालकनाथ के प्रयास से उन्होंने अपने प्रयास कराकर यहां से हटवाया, जिससे कई भिवाड़ी का पानी सुचारू रूप से आगे जा रहा है। बाबा ने आश्वासन दिया कि अस्थायी समाधान है, आगे दोनों सरकार मिलकर जल्द ही इसका समाधान करेगी। मुकेश कुमार शर्मा की। सर, क्या नाम है आपका? जो ये 6 महीने से काले पानी को लेकर समस्या चली आ रही थी और एक ही 2-3 दिन में ये काम कर दिया गया, सफाई का चर्चा कर रहा है। जो पिछले करीब 3 महीने से पानी भरा हुआ था यहाँ पर, अब ये नाले खुल जाने की वजह से ये पानी निकल गया है और लोगों में खुशी का माहौल है। आप कैसे महसूस करोगे? जैसे आपकी मार्केट है, दुकान है, उनको भी बहुत परेशानी हो रही थी, आने जाने वाले को परेशानी हो रही थी। परेशानी तो थी, लेकिन अब जैसे ये खुल गया है तो सब लोगों का काम चल जाएगा, व्यापारी वर्ग सब खुश है। 6 महीने के लगभग काला पानी की समस्या धारोड़े रोड पर चली आ रही थी और 2 ही दिन में आपने निपटा दिया, इसका क्या कारण रहा है? देखिए, ये दो सरकारों के बीच का मैटर था, क्योंकि राजस्थान से जो भिवाड़ी की तरफ एक नेचुरल स्लोप है, जिसकी वजह से जो पानी वहाँ पे धारोड़ा के अंदर सोसाइटियों में उनमें जाता था, तो इसको लेकर इसमें 6 महीने पहले इस पर एक रोड के ऊपर NH8 के ऊपर वो बना दिया गया, जिससे कि पानी अवरुद्ध हो गया, पानी रुक गया और उससे यहाँ भी समस्याएँ आने लगी। लेकिन अभी बालकनाथ जी के प्रयास से उन्होंने अपने प्रयास करके इसको यहाँ से हटवाया है, जिससे कि भिवाड़ी का जो पानी है वो स्मूथली आगे की तरफ निकल के जा रहा है। और महाराज जी ने ये भी आश्वासन दिया है कि इसका ये केवल एक अभी अस्थायी समाधान है, लेकिन इसके लिए दोनों सरकारें मिलकर एक मिनिमम ऐसा प्रोग्राम बनाएंगी, जिससे कि ये पानी स्मूथ रूप से हरियाणा को भी नुकसान ना करे और ये पानी आगे की तरफ निकाला जा सके। तो मैं इसके लिए बाबा बालकनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पूरे भिवाड़ी क्षेत्रवासियों की तरफ से, कि उन्होंने इसके ऊपर प्रयास किया और इस पानी को यहाँ से निकलवाया।